हाथरस मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर भारत समाचार के पास। मामले में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। एसआईटी ने शासन को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। हाई कोर्ट में सुनवाई से पहले ये रिपोर्ट सौंपी गई है। एसआईटी के अध्यक्ष ने शासन को ये रिपोर्ट सौंपी है। आज हाई कोर्ट में पेश की जा सकती है रिपोर्ट। 1 अक्टूबर को एसआईटी गठित की गई थी। बड़ी खबर है, 1 अक्टूबर को एसआईटी गठित की गई थी और आज शासन को अपनी रिपोर्ट सौंपी है एसआईटी ने शासन को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। ये हमारे विश्वस्त सूत्र हमें बता रहे हैं। हाई कोर्ट में सुनवाई से पहले ये रिपोर्ट सौंपी गई है। चूंकि स्वाभाविक है, शासन को भी अपना पक्ष रखना होगा कोर्ट में। और 2:15 के तकरीबन दो घंटे पहले ये रिपोर्ट सौंपी गई है। हाथरस मामले से जुड़ी बड़ी और अहम खबर है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। भारत समाचार के स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। वीरेंद्र जी, 2:15 पर सुनवाई होनी है, उसके पहले एसआईटी के अध्यक्ष ने शासन को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। देखिए, 3 सदस्यीय एसआईटी बनी थी, उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई थी हाथरस के मामले में जी। उसमें 2 तारीख से पहले एसआईटी को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी थी और गृह सचिव भगवान स्वरूप इस कमेटी के अध्यक्ष थे और इसमें डीआईजी चंद्र प्रकाश और एसपी पूनम शामिल थी। इन लोगों ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। ये हाईकोर्ट में आज जाएगी और हाईकोर्ट की चूंकि निगरानी में ये मामला हो रहा है। अब एसआईटी की रिपोर्ट का महत्व तो उतना नहीं रह जाता क्योंकि अब सीबीआई इसकी जांच कर रही है और हाईकोर्ट की निगरानी में जांच हो रही है। तो एसआईटी ऐसा लगता है कि इस मामले में कोई बीच का रास्ता अपनाएगी, कोई बहुत बड़ा निर्णय इस मामले में नहीं देगी। लेकिन ये जरूर है कि ये जो महीनों माथापच्ची चली है वो रिपोर्ट अब कंप्लीट हो गई है और सरकार ने उस रिपोर्ट को हाईकोर्ट भेज दिया है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। हाथरस कांड में पीएफआई